एसटीएफ ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को भारी संख्या में पासपोर्ट, नकदी, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों द्वारा समाचार पत्रों के अलावा अन्य माध्यम से नौकरियों का विज्ञापन दिया जाता था। इसमें इराक में नौकरी दिलाने की बात कही जाती थी। ऐसे आरोपियों के चुंगल में बेरोजगार युवक युवतियां फंस जाती थी, जिसके बाद उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर आरोपियों द्वारा इंटरव्यू कराया जाता था। इसमें भारी धन उगाही करते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 60 से 65 हजार रुपए लेते थे। उनकी यह कंपनी इनको के नाम से संचालित है। इसमें तय तारीख पर इंटरव्यू के बाद बेरोजगार युवकों व युवतियों के पासपोर्ट जमा कर दिए जाते थे, जिसके बाद उनसे रुपए की डिमांड की जाती थी। आरोपी शंभू यादव ने एसटीएफ को बताया कि वह कतर में इनको नाम की कंपनी में सुपरवाइजर पद पर कार्यरत था, जिसके बाद वर्ष 2017 में आरोपी भारत आ गया। मौजूदा वक्त में वेल्डर फील्डर के साक्षात्कार अधिकारी के रूप में इंटरव्यू ले रहा था, जिसके एवज में उसे 40 से 50 हजार रुपए दिए जाते थे। एसटीएफ के मुताबिक बीते कुछ दिनों से इनको कंपनी के नाम से विज्ञापन प्रकाशित किए जाते थे। इसमें इराक में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था, जबकि इराक और अन्य युद्ध क्षेत्र में अप्रवासन कार्यालय से भर्ती पर प्रतिबंध लगा है। ऐसे में पुलिस को इस कंपनी पर शक हुआ, जिस पर एसएसपी एसटीएफ अभिषेक सिंह के निर्देशन में आरोपियों की धरपकड़ के लिए योजना तैयार की गई। मुखबिर की सटीक जानकारी के बाद गोरखपुर स्थित सिंघड़िया में छापेमारी की, जहां ग्लोबल बिल्डिंग ट्रेनिंग एवं टेस्ट सेंटर एवं बेरोजगारों की भारी भीड़ साक्षात्कार देने के लिए जमा थी। इस दौरान पुलिस ने 8 आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त में गोरखपुर के थाना जंगा क्षेत्र के अमरिया निवासी अरविंद सिंह पुत्र उदय प्रताप सिंह, वहीं के रजनीश कुमार मल पुत्र मरकेश मल, शिवान बिहार के शंभू यादव पुत्र रामचंद्र यादव, तमिलनाडु के आर सुंदरम रमन पुत्र ए एन राजा रमन, गोपालगंज बिहार के मनोज ठाकुर पुत्र सुदामा ठाकुर, कुशीनगर जिले के अनवर अंसारी पुत्र मुस्तफा अंसारी, गोपालगंज बिहार के अरविंद कुमार राय पुत्र पारस राय और संदीप कुमार यादव पुत्र राजाराम यादव शामिल हैं। इनके पास से एसटीएफ ने 240 पासपोर्ट, 3 लैपटॉप, 80 हजार नकद और 13 मोबाइल फोन बरामद किया है। हाँ, उससे चीज़ में होता है।